अस्सलाम वालेकुम। ये भी हमने वो मॉड्यूल निकाला है, इसको खोल रहे हैं, फिर इसकी ब्लरिंग करेंगे। तो वन साइड पे खोल के आपको इंटरनल व्यू इसका दिखा देते हैं। अभी देख सकते हैं इसका मॉड्यूल हमने खोला है, इसके अंदर से कनेक्शन देख सकते हैं। ये पूरी VFD बनाई गई है जो कि काम करती है। ये भी हम इसको बलोर में चोरी कर रहे हैं, तो फिर ये सारा आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। काफ़ी डस्ट वगैरह था, ये क्लीन हो रहा है। इसको एक साइड से हम इसको कवर ओपन किया है, ये भी हम इसको क्लीन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी डस्ट आ चुकी थी, यदि हम उधर से रैक से उतार के लाए हैं इसको। यदि हम इसकी मुकम्मल क्लीनिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह गया है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है सब तक के अंदर। सिर्फ वन साइड का व्यू आपको दिखा देंगे। यहाँ से हमारी जो इनपुट आ रही थी, आपको दिखाया था कि वो इधर से इनपुट आती है। ये आगे रेक्टिफायर सिस्टम लगा हुआ है जो इसको रेक्टिफाई करता है, कन्वर्टर करता है DC में। तो आगे कंट्रोल कार्ड लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी बैक साइड पे कैपेसिटर यूनिट फिल्ट्रेशन सर्किट लगा है। उसके बाद ये 3 IGBTs लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, IDF, IGBT, ड्राइव मॉडल वगैरह भी। हाँ जी, अभी ये आप देख सकते हैं IDBFF, IGBT डाइवर्टर बोर्ड है। रेवी 1000 मॉडल है, जिसमें कुछ कैपेसिटर वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये उसको कन्वर्ट करके आउटपुट पे हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाती है। तो ये एक मॉड्यूल का रिव्यू था जो आपको दिखाया है। तो ये उस VFD जिस पर हम काम कर रहे थे, उसका एक मॉड्यूल का है। इस तरह के काफ़ी मॉड्यूल लगाए गए हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह 6, 6, 12 और 6, 18 मॉड्यूल हैं। ये बारी बारी एक एक करके मेंटेनेंस किया जा रहा है इनको। उसके बाद आगे ये हमारा कंट्रोल सर्किट लगाया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।